अपने लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था भाई, फैक्टर्स जो फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं और डायरेक्टली ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के उतने ही तरीके होते हैं जितने फ्लक्स को चेंज करने के होते हैं। तो भाई फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अगर बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा जो कि ऑरियंटेशन ऑफ कॉइल है वो चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो भाई जितने तरीके फ्लक्स को चेंज करने के होंगे उतने ही तरीके ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के होंगे। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो क्या कहता है, ईएमएफ को प्रोड्यूस करने के लिए ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी। ठीक, अब ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स जो कि फ्लक्स को चेंज करते हैं उन्हीं के बेसिस पर अपने लोग आज क्या कर रहे हैं, मोशनल ईएमएफ जो एक टॉपिक है उसके लिए एक एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी की, तो यहाँ पर जो फ्लक्स फाई है जिसको मैं फाई बी भी लिख सकता हूँ, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं फाई ई लिखता हूँ दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई बी बिकम्स बी ए कॉस थीटा, बी चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ई आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ए चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा तो ई प्रोड्यूस हो जाएगा, थीटा चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा और ई प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इनमें से मैं पहली चीज एरिया को चेंज कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, एरिया को चेंज करूंगा। और एरिया को चेंज करने का तरीका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सपोज मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर कंसिडर कर रखा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म, और किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इनवर्ट्स, ये इनवर्ट्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो इसमें मैंने फिर क्या करा हुआ है, एक कॉइल को कंसिडर करा हुआ है, ए बी सी डी, एबीसीडी कॉइल को मैंने यहाँ पर कंसीडर कर रखा है, और जिसमें जो ए बी आर्म है ना ये मूवेबल है बेटा। तो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपने सपोज कोई फोर्स लगाया और ये जो आपका ए बी आर्म है ये मूव करना शुरू कर दिया इसने किसी वेलोसिटी वी के साथ, किसी वेलोसिटी वी के साथ आपने इसको मूव करवाया। अब जब ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर कॉइल का जो कंप्लीट एरिया है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अगर आपका एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक, तो पहला मेथड आपका यहाँ पर आ रहा है ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का, कैसे, एरिया को चेंज करके। तो यहाँ पर इस आर्म की लेंथ को मैं मान रहा हूँ कितना, एल, और इस आर्म की लेंथ को मैं मान रहा हूँ कितना, एक्स। तो अगर मैं इस ए बी आर्म को मूव करवाऊंगा तो x और l में से कौन सी पर्टिकुलर लेंथ है जो चेंज होने वाली है, x चेंज होगी टाइम के साथ, है ना। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल किधर की तरफ होगा इस कॉइल का, नॉर्मल बोले तो पता है ना क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो अगर एक सिंपल कॉइल है तो इसके ऊपर इनवर्स आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनवर्स है उसके साथ एक एंगल बना रही है, वो एंगल कितना है, जीरो। थीटा हो गया जीरो, तो फाई की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, जस्ट बी ए। तो एरिया ऑफ कॉइल कितना है यहाँ पर, एल इंटू एक्स, तो एरिया की जगह क्या आ जाएगा, बी एल एक्स। तो फाई बी लिख सकते हो आप यहाँ पर, फाई बी की वैल्यू क्या हो जाती है, बी एल एक्स। फाई चेंज होगा तभी आपका यहाँ पर ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा। तो ये फ्लक्स को आपने इस फॉर्मूले में लगा देना, तो ई इज इक्वल टू माइनस का डी ओवर डी टी, फाई की जगह क्या पुट कर दोगे, बी एल एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो यहाँ पर चेंज हो रही है, बी तो चेंज हो नहीं रहा, एल चेंज हो नहीं रहा, तो जो एक्स बचता है वही चेंज हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला कुछ फॉर्मूला आपने स्टडी करा होगा, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी वी के साथ ही आर्म क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो dx ओवर dt जो आपको मिलेगा टर्म, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसके साथ, v के साथ। तो e इज इक्वल टू माइनस बी एल डी एक्स ओवर डी टी, तो dx ओवर dt आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मिलेगी। तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, बी एल वी, तो मॉड ऑफ emf आपके पास क्या होता है, बी एल। बट अगर यही किसी और पर्टिकुलर एंगल पर, अगर किसी और एंगल पर ये मूव कर रहा होता आपका कंडक्टर, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, ई इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। बी एल वी साइन थीटा वुड बी द एंगल दैट विल बी बिटवीन व्हाट,
वेलोसिटी वी एंड मैग्नेटिक फील्ड वी, क्लियर है? तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल के आया किसके लिए, मोशनल ईएमएफ के लिए। अब ये मोशनल ईएमएफ आपके पास किसके एंड्स के अक्रॉस है, इस एंड्स के अक्रॉस है आपके पास एक ईएमएफ, या करंट होगा इसके अक्रॉस, आया ना करंट होगा। मैं कंप्लीट कॉइल के रेजिस्टेंस को क्या मान लू, आर मान लू, तो वह पर्टिकुलर करंट इस कॉइल में मूव करना शुरू कर देगा, तो लेट कैपिटल आर बी द रेजिस्टेंस। अगर कैपिटल आर को मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूं, तो जो करंट फ्लो होने वाला है इसके अक्रॉस वो कितना होगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। करंट आई है तो उसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? एक इंड्यूस करंट आई सेटअप हो चुका है, उसके अपने कोई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर इंटरेक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर खुद के ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है? एक तो आप लगा रहे थे मैकेनिकल फोर्स, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, एक कंडक्टर को जब आप मूव करवाते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक तो आपने फोर्स लगाया होता है उसको मूव करवाने के लिए, और जब मूव करवाते हो तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक करंट सेटअप हो जाता है, और जब करंट सेटअप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ इजिकल टू आई बी एल, एफ इजिकल टू आई बी एल। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी एक फोर्स लग जाएगा, तो उस फोर्स का फॉर्मूला अगर आपने पता करना है तो फॉर्मूला विल बी आई बी एल। आई का फॉर्मूला क्या होगा, ई अपॉन आर इन टू बी एल, ठीक। ई की वैल्यू क्या है, पुट कर सकते हो आप, तो बी एल वी इन टू बी एल अपॉन आर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। तो दिस विल बी द फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, मैकेनिकल है या मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक, ठीक है। तो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बट वो करंट कैरिंग कंडक्टर तब हुआ जब आपने इसको इनिशियल एक फोर्स दिया था। अगर इनिशियल फोर्स ना दिया होता, क्या ये फोर्स डेवलप होता, नहीं होता। अब अगर आपको यहाँ पर पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो पी इज इक्वल टू पावर अगर आपको पता करनी है, ठीक है, तो पावर पी के लिए फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर। आई का फॉर्मूला, हाँ जी दिख रहा है, ई अपॉन आर, ई का फॉर्मूला, ठीक है, तो पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, बी एल वी अपॉन कैपिटल आर इसका होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या मिला, पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर इनटू कैपिटल आर अपॉन आर का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, तो क्या मिला। अब किसी के अगर दिमाग में ही चल रहा है सर पावर का फॉर्मूला, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है, हम डायरेक्टली ये फोर्स लेते हैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते, देखो क्या वही नहीं आएगा, ठीक है, तो इससे भी कर सकते थे, पावर पी इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स आपके पास क्या निकला है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन कैपिटल आर इनटू वी, तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू, बात देखिए, ठीक है, जैसे भी आप करना चाहो, उससे करोगे उससे मिल जाएगा, इससे करना चाहो इससे मिल जाएगा। हीट डिसिपेशन निकालने के लिए कह दिया जाए तो फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, तो फिर से वही काम, या सिंपल जो पावर है उसी को टी से मल्टीप्लाई कर दो, हीट डिसिपेशन भी मिल जाएगा। अभी कोई पूछा जाता है कि भाई एक कंडक्टर जिसमें कोई करंट नहीं है, बट उसको वी वेलोसिटी से मूव करवाया जा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताइए उसके अक्रॉस की हीट कितनी होगी इतने टाइम तक। और दिमाग में तो ये बात आ रही होगी ना, कंडक्टर है करंट ही नहीं है तो हीट कहाँ से आई, बट उन्होंने कहा ना मूव करवाया किसी वेलोसिटी वी से, जब मूव करवाया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली हीट भी सेटअप हो जाएगी, क्लियर है? तो ये कंप्लीट कंसेप्ट आता है आपका मोशनल ईएमएफ का। अब यहाँ पर इसके ऊपर बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपने शायद क्वेश्चन भी करा होगा कि एरोप्लेन का विंग साइज समथिंग इतनी लेंथ का है, हवा में उड़ रहा है, तो वो वर्टिकल फील्ड लाइंस को कट करता हुआ जा रहा है, तो सपोज अगर ये प्लेन है आगे की तरफ जा रहा है, या मैं आपको ये बोलता हूँ, सपोज एक पर्टिकुलर प्लेन मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, और उसके थ्रू आउट द पीरियड उसके पास एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को जिसको वो फेस कर रहा होगा, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी वैल्यू भी दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि वर्टिकल कंपोनेंट में होगी जिसको वो फेस कर रहा है उसकी वैल्यू भी दे रखी है। कहने का मतलब बी एच की वैल्यू भी दे रखी है और बी वी की वैल्यू भी दे रखी है, और जो आपका प्लेन है
उसका जो कंप्लीट लेंथ है वो दे रखी है 40 मीटर की लेंथ है। तो जब वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, कहां से कहां? ईस्ट टू वेस्ट। अगर वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो वो कौन सी पर्टिकुलर फील्ड लाइंस को कट करेगा, ये अगर पूछा जाए कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीवी या बीएच में से किसी को कट कर रहा होगा। और अगर ये पूछा जाए कि उसके एंड्स के अक्रॉस कितनी पर्टिकुलर ईएमएफ की वैल्यू सेटअप होगी, तो उसके लिए पता एक चीज चाहिए होगी आपको कि प्लेन किस वेलोसिटी से उड़ रहा है। तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या निकल के आएगा, ई इज इक्वल टू डीएल। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? अब जैसे मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी? नॉर्थ से। कहां जाएगी? साउथ की तरफ। ठीक है, इक्वेटर के पास अगर है प्लेन तो वहां पर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? जस्ट हॉरिजॉन्टल। पोल्स के पास अगर प्लेन है तो जस्ट वर्टिकल, और कहीं समथिंग बीच में है तो दोनों, बीवी होगी और बीएच भी होगी। अब अगर ई नॉर्थ से जा रहा है साउथ की तरफ, ठीक है, और जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है सॉरी नॉर्थ टू साउथ, और वो जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो कौन सी फील्ड लाइन को कट करेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन ऐसी होगी, प्लेन ऐसे जा रहा है, कैसे कट कर देगा? ऐसे जा, ऐसे भेजू प्लेन को? वाह, फिर ऐसे भेजिए ना, फाइटर पायलट है ना वो। सही है बेटा, बात तो सही है सब, प्लेन को ऐसे भेजिए, काटेगा क्यों नहीं? ये लॉजिक है यार, फंस क्या रहे हो, गलत थोड़ी ना कुछ। ठीक है, प्लेन बट ऐसे जा रहा है, ठीक है, वो पैसेंजर्स नहीं तो उल्टे हो जाएंगे, समझा करो ना, पैसेंजर्स सीधे रहने चाहिए है ना, नहीं तो बेचारे कुछ खा पी रहे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर कुछ गिराएंगे। अब प्लेन अगर ऐसे जा रहा है और फील्ड लाइंस ऐसी है, हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस है, तो वो कटनी होगी। फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए उसके लिए? वर्टिकल। तो वर्टिकल फील्ड लाइंस। हाँ, क्वेश्चन में आ जाए फाइटर पायलट है, वो कलाबाजियां कर रहा है और कैसे जा रहा है, तो उस केस में कुछ हो सकता है ना। तो बेसिकली आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है, एक पर्टिकुलर प्लेन, उसके विंग्स की लेंथ इतनी है, ठीक है, उसके एंड्स के क्रॉस आपको ये डेवलप करवाना है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा अगर इतनी मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा है। लेंथ दे रखी है, वेलोसिटी भी उसकी गिवन होगी वहां पर। तो सिंपल एक फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू बी एल वी। एक ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेन उसके एक्सल के अक्रॉस कितना ईएमएफ सेटअप होगा। तो भाई व्हील मूव कर रहा है, तो व्हील मूव करते समय कौन से पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ट्रेन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ये जरूरी है भाई वहां पर। ठीक है, अब जा रही है कहां से कहां? ईस्ट टू वेस्ट। तो वही सेम प्लेन वाला केस आ जाएगा, वर्टिकल फील्ड लाइंस को कट करेगा भाई। हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, अगर रॉड ऊपर से गिर रही है कुछ इस तरह से, नीचे ऊपर से इस तरह से गिर रही है तो, और रॉड आगे की ऐसी जा रही है तो भी हॉरिजॉन्टल ऐसे गिर रही है, क्योंकि तो हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइन ऐसी है ना, ऐसे गिर रही है तो भी किन को काटेगा? हॉरिजॉन्टल को। ऐसे जा रहा है तो भी, वही प्लेन वाला केस आ गया ना, प्लेन मैं ऐसे उड़ा रहा था तो किसको काट रहा है? वर्टिकल को। ऐसे हो जाएगा तो क्या वर्टिकल काटेंगे अब? नहीं, तो कौन सी काटेंगी? हॉरिजॉन्टल काटेंगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीज याद रखनी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल नेम ऑफ आपका यहाँ पर, कि ये सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है बट हमें ये नहीं समझ आता बी कौन सी लगेगी। एंगल ऑफ डिप दे रखा होगा उस केस में, अब एंगल ऑफ डिप दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, खुद दिमाग लगाना है बी वी होगी या बी एच होगी। सपोज अगर बी वी है और बी और डेल दे रखा है तो बी वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बी वी बोले तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? बी साइन डेल, एंगल ऑफ डिप होता है डेल, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वहां की दे रखी है तो बीवी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अगर वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो बीएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज बी कॉस डेल। तो अगर डायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि भाई हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस को ही कट कर रहा है और वो पर्टिकुलर वैल्यू इतनी है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, वैल्यू एक चीज और बता दूं मैं, वहां पर आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी होती है गॉस में जहां तक, तो उठाया वैल्यू को ऐसे लगा दिया, तो भाई फॉर्मूला तो सही है तो वैल्यू बट आपने गलत लगा दी, क्योंकि गॉस क्या है? सीजी एस्टीमेट, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? टेस्ला में। तो वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴। क्लियर है? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपने इमोशनल नेम ऑफ ऊपर क्वेश्चन कंसेप्चुअल्स, ठीक है, डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने ये करवा दिया आपको। क्लियर है? न्यूमेरिकल भी बता दिया, कंसेप्चुअल भी बता दिया,
ठीक है, और डेरिवेशन तो आपको आना भी चाहिए, ठीक है भाई।